आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेक लाइंस के बारे में। नेक लाइंस एक बहुत ही मेजर पार्ट है किसी भी गारमेंट कंस्ट्रक्शन में, किसी भी ड्रेस को क्रिएट करने में। एक नीट फिनिश्ड और नेकलाइन का परफेक्ट शेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है लेकिन मुश्किल पार्ट नहीं है गारमेंट कंस्ट्रक्शन का। मोस्टली जो लोग हैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी डाउटफुल होते हैं कि शायद नेकलाइन बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है किसी भी ड्रेस में। हाँ, थोड़ा स्किल और प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, लेकिन ये मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कोई भी स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको डिफिकल्ट है या आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, उस चीज़ को दोबारा देखिए, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। वो तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर, आपके ऑनलाइन फैशन स्कूल की इंस्ट्रक्टर। इस वीडियो से हम एक और चीज शुरू करने वाले हैं, वो ये है कि प्रीवियस वीडियो में पूछे गए किसी एक क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो जो इस वीडियो से रिलेटेड हो या फ्यूचर वीडियो से रिलेटेड होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा, हम एक क्वेश्चन को पिक करके डेफिनेटली आंसर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो के एंड में हम टक्स वाली वीडियो, जो हमारी लास्ट वीडियो है, उसमें पूछे गए एक मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने पूछा और आई थिंक हमने मिस कर दिया उस वीडियो में उस चीज को मेंशन करना, उसका जवाब हम देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तीन डिफरेंट वेज एक नेकलाइन को बनाने के। बेसिक शेप्स में आप ये नेकलाइंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कौन से ऐसे तीन तरीके हैं, अलग अलग तीन तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं नेकलाइन बनाने के लिए, और इन तरीकों का इस्तेमाल आप कौन से कपड़ों पे या कौन सी ड्रेसेस पे कर सकते हैं उसको भी हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए मटेरियल आपको क्या चाहिए। बेसिक कॉटन फैब्रिक की जरूरत आपको पड़ेगी, और स्विंग मटेरियल के जो बेसिक्स हैं, स्विंग मशीन है, सीजर्स है, टेलर्स चॉक है, मार्किंग टेप है, स्केल है, इन सब की जरूरत आपको पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको बुकरम की जरूरत पड़ेगी, प्लस आपको पेपर फ्यूज की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों चीजें आपको मिल सकती हैं आपके आसपास जो भी ऐसी शॉप्स हों जहाँ पे आपको टेलरिंग का सामान मिलता है, वहां पे इजिली मिल जाएगा, बिकॉज इनके बिना टेलरिंग करना इज नियरली इम्पॉसिबल। तो ये आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता ये। तो आपको बुकरम चाहिए होगा और आपको फ्यूजिंग पेपर चाहिए होगा, बाकी सब चीजें तो आपके पास होंगी ही घर पे, स्विंग मशीन और जो टूल्स होते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको एक मेन फैब्रिक चाहिए जिस पर आप नेकलाइन बनाना चाहते हो। इस फैब्रिक को हम फैब्रिक ए के नाम से बुलाएंगे। अब एक दूसरा फैब्रिक ले लीजिए जिसकी विड्थ और लेंथ आपकी नेकलाइन की विड्थ और लेंथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई से अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 इंच ज़्यादा हो। इसे हम फैब्रिक बी के नाम से बुलाएंगे। फैब्रिक बी की रॉन्ग साइड पर यानी कि उल्टी साइड पर नेकलाइन की शेप ड्रॉ कर लीजिए। फैब्रिक के सेंटर को हम नेकलाइन के सेंटर की तरह ट्रीट करेंगे। अगर नेकलाइन 4 इंच चौड़ी है, ब्रॉड है, तो फैब्रिक की सेंटर लाइन से 2 इंच की दूरी पर मार्क कर लीजिए। आधी नेक शेप बनाने के बाद ट्रेसिंग व्हील या फिर ट्रेसिंग पेपर की मदद से आप बाकी की आधी शेप को ट्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी नेकलाइन की पूरी शेप बन के रेडी है।
फैब्रिक ए और फैब्रिक बी की राइट साइड्स को एक दूसरे के ऊपर रखिए। मेक श्योर कि दोनों फैब्रिक्स की सेंटर लाइन मैच हो रही हो। सेंटर लाइंस को टेम्परेरीली ज्वाइन करने के लिए एक सीम लगा लीजिए। ये सिलाई लगाने के लिए स्टिच लेंथ को ज़्यादा रखिए ताकि बाद में उधेड़ना इजी हो आपके लिए। अब नेक की शेप पर सिलाई लगा लीजिए। इसके लिए अपनी स्टिच लेंथ को नॉर्मल रखिए। शेप की इनर साइड से कटिंग करना शुरू कर दीजिए। ये कटिंग हम सिलाई से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर करेंगे। बचे हुए मार्जिन पर इस तरीके से कट्स लगा लीजिए ताकि जब हम फैब्रिक को पलटेंगे तो एक नीट शेप आपके सामने हो। फैब्रिक को इस तरीके से पलट कर उस पर सिलाई लगा लीजिए। अब इसे अच्छे से बिठाने के लिए इस पर प्रेस कर लीजिए, यानी कि आयनिंग कर लीजिए। नेकलाइन को अंदर से फिनिश करने के लिए फैब्रिक बी को शेप के अकॉर्डिंग काट लीजिए। अब हम इसे हेमिंग से फिनिश करेंगे ताकि फैब्रिक हेमिंग के दौरान अपनी जगह से हिले नहीं। उसे हैंड नीडल की हेल्प से टांग लीजिए। हेमिंग के बाद इस सीम को निकाल दीजिएगा। अगर आप हेमिंग करना सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस वीडियो में जाकर सीख सकते हैं कि आप हेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इस टाइप की नेकलाइन ज्यादातर कैजुअल कुर्तीज और टॉप्स में बनाई जाती है। पतले कपड़े जैसे कि नेट, शिफॉन या जॉर्जेट में भी इस तरीके की नेकलाइन आप बना सकते हैं। अगला मेथड है पेपर फ्यूज मेथड।
इसका प्रोसेस भी सेम पहले मेथड की तरह ही है, बस इसमें एक शुरुआत में एक एडिशनल स्टेप है। फैब्रिक बी के ऊपर आपको फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट करना है। फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करने के लिए उसकी जो रफ साइड है उसे फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर रख कर आयरनिंग करके उसे अच्छे से पेस्ट कर लीजिए। इसके बाद आप वही सेम स्टेप्स फॉलो कीजिए जो आपने फर्स्ट नेकलाइन के लिए फॉलो किया था। फ्यूजिंग पेपर मेथड का इस्तेमाल आप ऐसे आउटफिट्स में कर सकते हैं जिनकी नेक्स में ज़्यादा कंस्ट्रक्शनल डिटेलिंग ना हो, यानी कि बेसिक नेक शेप्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे कपड़ों में इसका इस्तेमाल कीजिए जिन्हें आप लॉन्ग टर्म पहनने का प्लान नहीं कर रहे, यानी कि आपके कैजुअल कुर्ताज में आप ये पहन सकते हो, रोज़ की जो आपकी ड्रेसेज हैं घर की उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि समय के साथ साथ जितनी बार आप इसे वॉश करेंगे फ्यूजिंग पेपर उतना ही डेलिकेट होता जाएगा, इसकी स्टिफनेस चली जाएगी, जिसकी वजह से नेक में वो फिनिशिंग नहीं रहती। अगला तरीका है नेकलाइन विद बुकरम। बुकरम को सेंटर फोल्ड करके सेंटर लाइन से नेक की विड्थ और लेंथ मार्क कर लीजिए।
अब अपनी नेकलाइन की शेप बना लीजिए। मार्क की हुई शेप से 1 इंच की दूरी पर दोबारा शेप मार्क कीजिए। अब इस शेप को इस तरह काट कर निकाल लीजिए। फैब्रिक ए और फैब्रिक बी पर सेंटर लाइन मार्क कर लीजिए। स्टिच लेंथ बढ़ा करके बुकरम को फैब्रिक पर फिक्स कर लीजिए। उसके बाद फैब्रिक को इस तरीके से बुकरम पर ओवरलैप करके सीम लगा लीजिए। फैब्रिक ए की राइट साइड के ऊपर फैब्रिक बी की राइट साइड को प्लेस कर लीजिए। सेंटर सीम लगाकर टेम्परेरीली फिक्स कर लीजिए। शेप के अंदर की साइड बुकरम पर सीम लगा लीजिए। शेप के इनर फैब्रिक को कट कर लीजिए बुकरम से 1 से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब फैब्रिक पर कट्स लगा लीजिए। नीट शेप के लिए ये कट्स डीप होने चाहिए। अब टेम्परेरी सीम से फिनिश कर लीजिए। इसे हेमिंग के बाद उधेड़ दीजिएगा। नेकलाइन के अंदर की साइड हेमिंग होगी। हेमिंग कैसे करनी है इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए। बुकरम मेथड का इस्तेमाल आप ऐसी नेकलाइन शेप्स में कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत है
और ऐसे कपड़ों में आप इसका इस्तेमाल कीजिए जिन्हें आप लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से वॉशेस के बाद भी बुकरम का वो स्ट्रेंथ नहीं जाता, वो शेप होल्ड करके रखता है आपकी नेकलाइन की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने ऐसे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इनको शेयर कीजिए जिनको स्विंग सीखना है और वो स्विंग के बेसिक्स जानना चाहते हैं, उनके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और वो क्वेश्चन हम आंसर करने वाले हैं जो प्रीवियस वीडियो में सबसे ज्यादा पूछा गया था। क्वेश्चन था कि टक्स क्रिएट करने के लिए कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए होता है आपको, नीडेड रिक्वायर्ड फैब्रिक से कितना एक्स्ट्रा आप लेंगे ताकि टक्स क्रिएट करने के बाद आपको रिक्वायर्ड फैब्रिक आपके पास बच जाए। तो इसका आंसर ये है, पिन टक्स में आपको हर 5 टक्स के लिए 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा। तो अगर टक्स 10 हो जाते हैं तो फैब्रिक 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो आप टक्स गिन लीजिए पहले आपको कितने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं। और अगर बेसिक टक्स आप क्रिएट कर रहे हैं तो हर 5 टक्स के लिए आपको 3 इंचेस फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा लेना होगा। तो कैलकुलेशन बाकी आप कर लीजिए। अगर वो 10 हो जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक 6 लेना होगा। तो कोई भी टक्स वाली चीज क्रिएट करने से पहले आप पहले इस चीज में अपना माइंड सेट कीजिए कि आपको एक्चुअली कितने टक्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फैब्रिक एक्स्ट्रा रख सकते हैं। सो कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस बिलो। इनमें से जो भी क्वेश्चन हमें रेलेवेंट लगेगा इस वीडियो के साथ, जो हम सोच रहे हैं कि आपका जानना बहुत जरूरी है और आप में से बहुत से लोग उसे जानना चाहेंगे, मतलब कि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो हमारे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आंसर करेंगे।